नमस्कार, मैं इस्लामुद्दीन खान, आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। मुंब्रा के रसीद कंपाउंड में लूटपाट की घटना सामने आई है। दरअसल ये घटना पिछले हफ्ते शुक्रवार के दिन घटी थी। जावेद सैयद ने अल्ताफ फारूक शेख नाम के व्यक्ति पर ब्लेड से हमला कर दिया था। जावेद सैयद ने हमला कर अल्ताफ से लूट की घटना को अंजाम दिया। अल्ताफ से नकदी और मोबाइल फोन लूट लिया। इस हमले में अल्ताफ जख्मी हो गया है। हमले में अल्ताफ को दाढ़ी और सर में चोटें लगी हैं। फिलहाल मुंब्रा पुलिस ने कार्रवाई करते हुए जावेद सैयद को गिरफ्तार कर लिया है। इस मामले में जावेद सैयद से पूछताछ जारी है। जावेद सैयद के खिलाफ मुंब्रा पुलिस में और भी कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। तो देश और दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए प्रहार टाइम्स।